खबरदार जो तू आगे बढ़ा, मैं पहले ही बहुत तंग हूं अपनी जिंदगी से, तेरे सर चढ़कर मरूंगी। चल बात मर के दिखा तो सही, देखूं क्या करती है तू। कल जाऊंगा पीरसाई के पास, पूछूंगा कितनी बार गई है तू वहां पर, अगर तूने झूठ बोला हुआ ना तलाक दे दूंगा तुझे। जो नहीं जानते वो भी सुन ले कि रात के इस पहर पंचायत क्यों बुलाई गई। शाहजेब और आसिया एक दूसरे से मोहब्बत करते, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। जाने शाहजेब, तूने अपनी सफाई में कुछ बोलना है? आसिया बोल, क्या कहना है? पंचायत ये फैसला करती है कि शाहजेब की उसकी मांग जुबैदा बीबी के साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी होगी। और जब तक ये शादी नहीं होगी, शाहजेब अपने कमरे में रहेगा, उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। और आसिया जिस कमरे में रहती, बाकी जिंदगी उसी कमरे में गुजारेगी। इसकी रखवाली के लिए दो चौकीदार कमरे में रहेंगे। ये जुल्म है बीबी, बात बंद करे। अगर आसिया कोई गलती करेगी तो चौकीदारों को हक है कि उसके साथ जो जी चाहे करे। मैं नहीं मानता आपकी इस पंचायत को और ना ही आपके इस फैसले को। ले जाओ इसको। जाने क्या क्या कर रही है बीबी, आपने मेरे साथ जो करना है कर ले। आसिया को जाने दे, छोड़ो मुझे, अपनी जो मेरे साथ करने कर ले। आसिया को जाने दे। फैसला हो गया। चौखट के पीछे रह के इस वन्नी की निगरानी करनी है तुम लोगों ने। जी साईं। चलो शाबाश। भूले बनेड़ो
दरवाजा खोलो, मेरे बीबी से बात करनी है, बात करनी है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरे बीबी से बात करनी है, बात करनी है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जो करना कर लो, बस आसिया को जाने दो, बस प्लीज आसिया को जाने दो। दरवाजा खोलो, मैंने बीबी से बात करनी है, दरवाजा खोलो। क्या चाहिए मुझे बता, मैं भी तेरा कुछ लगता हूँ। मैंने बीबी से आसिया के लिए माफी मांगी है, दरवाजा खोलो। शुक्र कर बहू, सस्ते में जान छूटी तेरी। उसके कमरे में किसी को भेजने की जगह उसे किसी के कमरे में भेज देता। बहू बुरा किया है तूने। जेबी ते को हया नहीं आई, अपनी भरजाई से इश्क करता रहा है। हा? तेरी सजा शादी नहीं, कुछ और होनी चाहिए। अच्छा नहीं किया तूने, सजा दूंगा तुझे किसी दिन, दूंगा सजा। और सारा जमाना देखेगा ना तो उसकी आंखें खुली रह जाएंगी और मुंह भी, पता है कहेंगे क्या? सही होया इस बेगैरत नाल। बेगैरत में नहीं, वो है जो अपने आप को मर्द समझे और जुल्म होते देख कर अपनी आंखें खुली रखी और जुबान बंद, वो होता है बेगैरत। देखेगा तू भी बड़े जल्दी जुल्म होते हुए, तेरी आंखें भी खुली रह जाएंगी और जुबान बंद हमेशा वास्ते। तकलीफ तो नहीं है ना तुझे यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र से मोहब्बत करे? मैं तो हवेली में तुझे इसलिए लेकर आई थी कि रंगे के खानदान वालों की नफरत सहे। हवेली का एक एक बंदा, एक एक सवर्ण तुझसे नफरत करे, तेरे मुंह पर थूके। तेरी मजाल कैसे हुई कि तू किसी के दिल में प्यार जगाए? मैंने तो नजरों पर पाबंदी लगाई थी, दिल तक पहुंचने में जुर्रत कैसे हुई तेरी? बोल, अब बोलती क्यों नहीं? बोल, करेगी मोहब्बत? तेरा चेहरा मैं इतना बिगाड़ दूंगी कि अपना आप भूल जाएगी तू, शीशा नहीं देख सकेगी। शीदो, जी जी बीबी। इसको कुछ खिला पिला, इसके जख्म को साफ कर को दवा लगा, फिर तैयार कर इसे नवी मार खाने के लिए। आसिया, आसिया बीबी, होश करना आसिया, आसिया मेरी बच्चे, होश कर आसिया बेटा, उतर होश कर, होश कर ना मेरी बच्ची। चंदा गाड़ी थोड़ा। बीबी ने रात को जो सजा सुनाई तो सुनाई, कुछ सजाएं
तुझे मैं भी सुना लूं। इश्क़ावे कुछ करे सगी नवा जी, कुछ करे। हासिया बहुत तकलीफ में है। रास एक नवाला तो क्या, पानी का एक कतरा भी नहीं उतरा उसके हलक से। अब तो दर्द भी बेबस हो गया उसे तड़पा तड़पा के। कुछ करे सकीना बाजी, कुछ करे। क्या कर सकती हूँ मैं? पहले करके देखा था ना, तुझे याद नहीं क्या हुआ था तेरे साथ और मेरे साथ? हमेशा के लिए तुझे अपने बच्चों से ना मिलने की सजा दी थी ना, भूल गई है तू? मैं तो दिल पे पत्थर रख के भूल ही गई थी कि मैं बच्चों वाली हूं। मैं तो आसिया को अपनी धीम मानने लगी थी। अपने बच्चों की खरी शक्ल देखूं या ना देखूं, पर आसिया की तकलीफ नहीं देख सकती बाजी। आसिया की तकलीफ नहीं देख सकती बाजी, नहीं देख सकती उसकी तकलीफ, नहीं देख सकती बाजी उसकी तकलीफ, नहीं देख सकती। कुछ करे सकीना बाजी, आसिया को कुछ करे। ओ डाडी है बीबी, आसिया को मौत की सजा भी तो दे सकती थी, पर सरा तरस नहीं आया उसको। और उसे रोज मरने की सजा सुना थी। जी दो, कितने मर गई हैं? आई बीबी जी। शीदो, अपने अथरू पूंज ले, कहीं इनकी सजा भी उस बेचारी को ना मिल जाए। माशाल्लाह, मेरी पुप्पी बहुत खुश लग रही है। खुश क्यों ना हूं, पुत्र की तारीख लेने जा रही हूं। पुप्पी, मैंने तो तय कर लिया, 8 जोड़े बनाने हैं मैंने, 8। 4 इस घर से पहनूंगी और 4 उस घर से। 8 क्यों, 60 जोड़े बना, बस रा वेला तो आने दे। इंशाल्लाह पुप्पी। तुझे क्यों सब सूंगा हुआ? नहीं बीबी। तो बताया क्यों नहीं कि आ गई है? वो इसलिए नहीं बोली कि आप बात कर रही थी। सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ कल के फैसले के बाद किस किस का लहू खुश्क हुआ है। मैं तो सोचती हूँ एक और पंचायत लगा के इन सब के फैसले कर दूं, जिनकी अखियां मेरी मर्जी के बगैर बरसती हैं। ब्याह की तारीख रख लूं, फिर आके पता लगाती हूँ कि इस मोहब्बत का चश्मदीद गवाह कौन कौन है। जो बिस्मिल्लाह करा मेरी सोनी, आपा आ गई। आपा को किदे बावा, आपा इत्ते बो। यल्ला हो गया मेरा भरा। सलाम अब्बा साईं। क्या हाल है बेस? ठीक अब्बा साईं, आज मैं अपने पेके नहीं आई, अपने देवर के लिए तेरी धी का ब्याह मांगने आई। खूब खातिर कराऊंगी मैं अपने। ओ सदके धीमा, अपनी सोनी धी तू भी ते अपनी सोनी आपा दी नू तू भी। बोल आपा, हुक्म कर, क्या खिदमत करा? बस जो तारीख मेरे मुंह से निकले उसको आमीन आख दे। वापा तू मुंह चो नाम ही कर से ते मेरे आलो आमीन ही आमीन है। तो बस फिर अगले जुम्मे में बरात लेके आ जाऊं। अप्पा इतनी जल्दी, खैर तो है? अब्बा साई वजह ना पूछे, आपने वादा किया है पुप्पी से, बस आमीन कह दे। पुत्री वो तो ठीक है, पर तैयारियां भी तो करनी है ना।
अब्बा साईं क्यों फिक्र करते हैं, दी है ना तेरी, सब हो जाएगा। भिरा तू ही समझाना अब्बा को। बहु वड्डी सिफारिश आई अब्बा, अभी मान जा। इतनी छेती की वजह क्या है बाद में पूछ ले। अच्छा जी मैं मेरी अब्बा की सलाह। चल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। मुंह मीठा करें अब्बा ना, पहले मेरी अब्बा पुप्पी। अकेले अकेले कर लिया, मुझे बुलाया ही नहीं। बीबी बोल कर गई है तेरा बहु ख्याल रखना ताकि तू तैयार हो सके। और मार खाने के लिए है? खा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तू ठीक हो जाएगी, मरने नहीं दूंगा तुझे। ये जहां साई का वादा है तुझसे, आ रोटी खा ना, खा रोटी। एक और वादा भी करना है तुझसे। बीबी ने रात को जो सजा सुनाई सो सुनाई, कुछ सजाएं तुझे मैं भी सुना ली है, लेकिन पहले तू ठीक हो जा फिर सुनाऊंगा। मेरी बात सुन मेरा बेटा। क्या बात है चाचा? इतना मेरी बात सुनो, ये बात कहनी है तुम्हें। अम्मी ने मना किया था कि चाचा के कमरे में नहीं जाना। कुछ नहीं होता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। इतना मेरा छोटा सा काम करते हो क्या? जल्दी से अपनी अम्मी को बुला लो। पर अम्मी, अम्मी ने मना किया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। मैं चॉकलेट भी दूंगा। अच्छा बुला के ला दो। और मेरी बात सुनो, किसी को ना बताना, ये हमारी सीक्रेट है। ठीक है, जल्दी से जाओ। शाबाश। चल चल खा ले, तेरे दिन पक्के हुए। खाले खाले खाले, चल शाबाश खाले मेरी सोनी बहन। चल पलापो
उसे कितनी मुश्किल से खाया है मैंने। इसीलिए कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। चल रहने दे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, ये एक्टिंग छोड़। पता है मुझे दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा आपो, एक बात तो बता, वो माना कैसे? किसी को बताएगी तो नहीं? खैर तो है भी और नहीं भी। ऐसी क्या बात है आपको? एक शर्त पे बताऊंगी, अगर तो यहां किसी को बताएगी नहीं। ये क्या बात हुई अब्बू? अगर तो किसी को बता देगी तो नया स्यापा पड़ जाएगा। हो सकता है तेरा ब्याह भी रुक जाए। ऐसा ना कह अब्बू, अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिहाड़ा है। इसीलिए तो कह रही हूं किसी को बताएगी तो नहीं। बता दे, नहीं बताऊंगी। आसिया और शाज़ेब, कैसे निकालूं? बीबी के पास इस ताले की चाबी है, मुझे बस वो चाबी हाथों पर जाए, प्लीज। ये देखिए मेरे हाथ जुड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पहले ही बाप का साया नहीं। अगर माँ को भी कुछ हो गया तो भूल जाएंगे वो। मुझे बस चाबी ला दो। देवी की बात पक्की करके आई, सोचा तुझे भी मिठाई खिला दूं। काले इश्कावे इश्कावे वो मुबारक हो अशरफ। खैर मुबारक आपा, खैर मुबारक। मुबारक तो कब आए हम शगन करने के लिए? जब दिल करे आ जाओ पुत्र, पर मेरी सलाह है ब्याह में पीछे दिन ही कितने रह गए हैं, सारी रस्में ब्याह वाले दिन कर लेना। इस तरह थोड़ी मजा आएगा। तो क्या कहेंगे, एक बहन और ब्याहनी हम, चाहे वक्त आपने कम दिए पर रस्में हम पूरी करें, क्यों अब्बा? हाँ अब्बा, जहाँ पुत्र सही याद आती है, दो चार घंटों से क्या फर्क पड़ता है। हम भी अपने होने वाले जवाई को लड्डू शड्डू खिला लेंगे, वो मुंदरी शुंदरी पा लेंगे। हाँ क्यों नहीं, जम जम आओ, बेशक कल आ जाओ। तो जहां जेब नहीं आया आज, वो तो मुझे भी घाट ही मिलता है, जब से वजीर बना है बहुत मसरूफ थी गया। आज तो उसके भरा का ब्याह का दिन था, आज तो उसे आना चाहिए था। अच्छा छड़ भी वजाहत पुत्र, क्यों अपनी फुफी से इतने सवाल पूछता है? जब शगन करने जाना है तो मिल लेंगे उसे वहां पर। पुत्री वो सबको मिठाई शिठाई खुआना। जी अब्बा साहब। जुबैदा के यहां गई थी मैं,
तेरे ब्याह की तारीख पक्की की है, ले मुंह मीठा कर। नहीं तो ना सही, आप ही सौरे आएंगे वो खिला देंगे। कल भरा अशरफ पूरे खानदान के साथ आएगा, उसके सामने अगर तूने कोई गड़बड़ की तो आसिया के साथ वो करूंगी। सारी जिंदगी याद रखेगी। कैसे कर सकती हैं आप इतना जुल्म? खुदा नहीं याद आपको? जब तू भरजाई के साथ रात के अंधेरे में छत पर खड़ा था, मोहब्बत की बातें कर रहा था, खुदा याद नहीं आया तुझे? खुदा की कसम, उसकी हालत देख के सिर्फ खुदा ही याद आता था मुझे। आसिया के कमरे से मैं गुजर रही थी, मुझे यूं लगा जैसे उसकी बेड़ियां कुछ ढीली पड़ गई। किसी को कहती हूं कि जरा पैर पे मार के देखे पैर निकलता है कि नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अब जो कहती है मैं करने को तैयार हूं, मैं शादी भी करने को तैयार हूं, बस आप आसिया को कुछ ना कहना। देवी की बात पक्की करके आई, सोचा तुझे भी मिठाई खिला दूं, मुंह मीठा कराऊं। ले खा ले। खा ले। मेरे हाथ से मिठाई खाना अच्छा नहीं लगता तुझे, ले खा ले। अनवर, राशिद, कैसे मर्द हो तुम दोनों, एक सवर्णी नहीं संभाली जाती। लो मिठाई खिलाओ इसको, आराम से खा ले तो ठीक, वरना जबरदस्ती करो। जो मेरे करीब आया तू, अपनी जान ले लूंगी मैं, रख दे इधर। भूले बने डो रे तो
कल आ जाना था, सारे आ ही तो रहे थे कल। कल भी तो आना ही था, आज आ गई तो क्या फर्क पड़ता है। पीर साईं के पास नहीं जाना था तूने? वो तो जुमेरात को जाना है। जागीरदार बन गए हैं आप, किसी को नौकरी से फारग करना हो तो जुबान से नहीं गोली से कर देते। बीवी गल ना मने तो मनवा लेते, जो चाहते कर लेते, तो फिर क्या फर्क पड़ता है बीवी हो भावे ना हो। फर्क पड़ता है, तू बीवी है मेरी, प्यार करता हूं तुझसे, कल वाली गल भूल जाना कि नहीं। ये देख, तेरे लिए लाया। बाजी, बीबी बुला रही है। खैर ही है, बीबी ने बुलाया, चलिए खैर कैसे हो सकती है। सलाम बीबी। देवी कहता है तू चाह बहुत चंगी बनाती है, पर चाह को कप में डालने से पहले उसको छानना पड़ता है, और चाह का स्वाद तभी आता है जब पत्ती के दाने मुंह में ना आए, है ना? जी बीबी। नथारा करना जरूरी होता है जिंदगी में, ताकि सच एक पासे हो जाए और झूठ दूसरे पासे। सेबी और आसिया की मोहब्बत के बारे में कौन कौन जानता था, यूं नथारा कर सकती। आज तक जो हुआ सो हुआ, राज के बाद सेबी और आसिया की किसी ने मदद की तो मैं भूल जाऊंगी कि कौन मेरा क्या लगता है। जी बीबी।
दूध। आज दूध का जायका बड़ा अजीब है, लाची तो ला के दे। अभी लाए। जैका कुछ पतला बदला सा लग रहा है। इश्क़ावे बच गई। कौन? आसिया बच गई है। वो मेरा और आसिया का आज ही निकाह करवा दे। बरादरी में अपनी इज्जत बचानी है ना, तो उसके हवेली पहुंचने से पहले देवी को हवेली में होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो आइंदा पंचायत में पग सर पे रख के नहीं अपने हाथ में पकड़ कर बैठे। जे तुसा अपना पोत्र ना लभिया ते मैं उको आप लब के तेरियां अखां दे सामने उनू अपने हत्थां नाल गोली मारसा।